वहीं शामली से तीन तलाक का जब गजब मामला सामने आया है। मामला कांधला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला को समुदाय न बदलने पर उसके पति ने तीन तलाक दे दिया। पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। पुलिस के मुताबिक पीड़िता का पति सिया समुदाय छोड़कर सुन्नी समुदाय में शामिल हो गया था, जबकि पीड़िता ने अपना समुदाय बदलने से मना कर दिया। इसी कारण पीड़िता के पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। तो तीन तलाक का ये मामला सामने आया है कांधला थाना क्षेत्र से, जहां पति ने अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिया, और वो भी इस बात पर कि उसने अपना समुदाय नहीं बदला। और शामली संवाददाता विनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत, ये मामला कांधला थाना क्षेत्र से सामने आया है, तीन तलाक का मामला सामने आया है, पीड़िता ने पुलिस से गुहार लगाई, अब तक क्या कुछ जांच में सामने और क्या कुछ कार्रवाई अभी तक की गई? जी, आपको बताना चाहेंगे, ये मामला कांधला क्षेत्र का है। इसकी 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी गांव गंगेरू में। तो जब इसकी शादी हो गई तो उसके बाद इसके पति ने इसको इसको धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा है। ये सुन्नी समाज से आती है, तो इसको जो शेख है उसमें जाने के लिए वो उस पर लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन जो महिला है उसको ये बात अच्छी नहीं लगी और ना ही उसके परिवारों को ये चीज सही लगी है, तो उसने इसको मना कर दिया। उसने उसके साथ जब मना कर दिया, उसको मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया और उसको तलाक कहकर तीन तलाक दे दिया है। तो उसके बाद जब ये करीब 8 महीने तक इस लड़की जो महिला है इसने दर दर की खाने के बाद जब अब इसने इसको धर्म परिवर्तन के लिए बोला है, तो ये थाने पहुंची और थाने पहुंचकर इसने पुलिस से गुहार लगाई और पुलिस ने भी इसकी तहरीर लेकर उसमें कार्रवाई शुरू कर दिया। लेकिन जब पुलिस ने वहां मौके पर गई है तो आरोपी वहां से फरार हो चुका है। बिल्कुल विनीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी फिलहाल फरार है। वहीं महिला ने जल्द से जल्द मामले में न्याय की मांग की है।